हेलो एवरीवन, नमस्कार। आइए देखते हैं अपने अगले स्टॉक के बारे में। अपना जो अगला स्टॉक है वो गुजरात स्टेट का स्टॉक है जो पावर सेक्टर से बिलोंग करता है। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, फ्यूचर में भी अच्छा प्रॉफिट कमा कर देगी, तो इसका एनालिसिस करते हैं। वीडियो स्किप मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मार्केट कैप देखा जाए तो 2786 करोड़ का मार्केट कैप है। करेंट प्राइस की बात करें तो 184 रुपये है। 238 का हाई लगाया, 70 का लो लगाया, तो अच्छा खासा प्रॉफिट देख चुका है। अभी एक बार रिटेस्ट करेगा तो नीचे आएगा, तो इसमें आप एंट्री बना सकते हैं। चलते हैं एनालिसिस पे। एनालिसिस क्या कहता है, एनालिसिस में देखा जाए तो एनटीपीसी, अडानी ग्रीन, पावर ग्रीन, अच्छी अच्छी अडानी पावर, अच्छी अच्छी कंपनियां इसके कंपटीटर हैं। तो हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात नहीं करके हम लोग एनुअली रिजल्ट की बात करेंगे। तो बात होगी 2012 से देखा जाए तो 2012 में 118 करोड़ का प्रॉफिट था, जो बढ़ के धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। 118 से 219 करोड़ का हुआ, फिर 186, हर साल प्रॉफिट दिया, अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। अभी मार्च 2023 में 189 करोड़ का प्रॉफिट दिया है, जो अभी तक देखा जाए तो इस 2023-24 का 197 करोड़ है। तो मार्च 2024 आते आते तकरीबन 240 करोड़ के करीब में प्रॉफिट इसका हो जाएगा। तो अच्छा सा प्रॉफिट मिला, इस साल भी ग्रो कर सकता है आगे चल के। तो चलते हैं देखते बैलेंस शीट पर, बैलेंस शीट क्या कहता है। बैलेंस शीट पे इक्विटी एंड कैपिटल की बात करें तो 151 करोड़ का इक्विटी कैपिटल 2012 में था, जो देखा जाए तो मार्च 2023 में भी 151 करोड़ का ही रहा, सितंबर 2023 में भी 151 करोड़ रहा। बस इसमें सबसे अच्छी बात यह है जो रिजर्व एंड सरप्लस जो ऐड किया 1288 करोड़ से बढ़ के, हर साल ये कुछ न कुछ अपना ग्रो किया, हर साल बढ़ाया है रिजर्व एंड सरप्लस, हर साल बढ़ाया है। तो ये अच्छी बात है, हर साल कुछ न कुछ बढ़ा रहा है। देखिए इस बार 3003 करोड़ था मार्च 2023 में, सितंबर 2023 में 3043 करोड़ के करीब में है। तो मार्च 2024 आते आते तकरीबन 3080 करोड़ के करीब में, 3080 करोड़ के करीब में इसका हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। तो अच्छी बात है इसके लिए। और यहाँ पे और बात करते हैं कर्जे की, तो कर्जे में देखा तो 944 करोड़ का जो कर्जा था अभी बचा हुआ 636 करोड़ का कर्जा, भी इससे कम हुआ, बारोइंग कम हुआ है। तो एसेट की बात करें तो एसेट में देखा जाए तो एसेट में स्टार्टिंग जो स्टार्टिंग एसेट था 2012 में तो 2936 करोड़ का एसेट था, जो बढ़ के 4837 करोड़ का एसेट बन चुका है। तो एसेट भी ग्रो कर रहा है, अच्छी बात है इसके लिए। एसेट ग्रो कर रहा है, इक्विटी एंड कैपिटल तो सेम है, बट रिजर्व एंड सरप्लस ग्रो कर रहा है, जो बारोइंग है कर्जा वो कम हो रहा है। यहाँ पे देखा जाए सबसे अच्छी बात है, यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक अच्छी सी खासियत आपको देखने को मिलेगी, जिसमें प्रमोटर की हिस्सेदारी 55.43% है, एफआईआई की 3.86% है, डीआई की बात करें 5.96% की बात है, और गुजरात गवर्नमेंट की बात करें तो 7.64% की बात परसेंट यहाँ पे एंट्री इन्वॉल्व है, इन्वेस्ट किया है। तो बहुत ही अच्छा परसेंटेज देखा जाए तो प्रमोटर, डीआई, एफआई, गवर्नमेंट सबकी हिस्सेदारी इसमें है। तो शेयर डूबने का चांस तो मुझे नहीं लग रहा है। रही बात पब्लिक की, पब्लिक की हिस्सेदारी 27.12% है। अगर केवल प्रमोटर की हिस्सेदारी रहती तो मैं भी मैनिपुलेट हो सकता था, बट इसमें हिस्सेदारी सबकी थोड़ा थोड़ा हिस्सेदारी है, इतना जल्दी मैनिपुलेट या डूबने का चांस नहीं है। तो इस शेयर में दम है, इस शेयर में आप देख सकते हैं, फ्यूचर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं चार्ट पे, चार्ट क्या कहता है, इन्वेस्ट कब करना चाहिए। तो चार्ट में देखा तभी मैं भी डाउन ट्रेंड में आ रहा है, जब तक ये 50 डे का मूविंग एवरेज टच नहीं करता है, और टच करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट लेने दीजिए, रेस्ट लेके फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है तो आप इसमें एंट्री बनाइएगा। तो अदरवाइज देखा है तो ये भी बहुत अच्छा प्रॉफिट दे चुका, प्रॉफिट कितना दिया है, प्रॉफिट देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यूस प्रॉफिट दिया, तो थोड़ा सा एक बार रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप इसमें जैसे नीचे आता है कंसोलिडेट करे तो आप थोड़ा बहुत एंट्री बना लीजिए, जैसे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है तो आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो शेयर अच्छा है, आपको इस हिसाब से देखिए कैसे है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो गुजरात इंडस्ट्रियल पावर लिमिटेड इस शेयर का नाम है, तो इस शेयर का नाम है गुजरात इंडस्ट्रियल पावर को लिमिटेड, तो अच्छी कंपनी है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।